हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। डिज़ाइन अ फाइनाइट स्टेट मशीन टू चेक द गिवन डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हम कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, ये कब बोलते हैं कि जब रिमाइंडर 0 रहेगा। 0 अगर रहता है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो हमें इस भी के लिए जो है इनपुट लगेगा 0 to 9 नंबर। अब ये 0 to 9 नंबर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जिनमें रिमाइंडर 0 रहेगा उनका एक कैटेगरी, सेकंड जिनमें रिमाइंडर 1 रहेगा, और थर्ड कैटेगरी जिनमें रिमाइंडर 2 रहेगा। तो वो इस तरह से 0, 3, 6, 9 इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 रहता है। देन 1, 4, 7 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 रहता है। देन 2, 5, 8 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 रहेगा। अब ये जो रिमाइंडर्स है इनको ही कंसिडर करके हम स्टेट लेंगे। तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग स्टेट रहेगा, एक इनिशियल स्टेट एस रहेगा। क्यू नॉट स्टेट जो है वो रिमाइंडर 0 के लिए रहेगा। मीन्स क्यू नॉट स्टेट को वही नंबर जाएंगे जहाँ पर जो रिमाइंडर हमें 0 देने वाले हैं, और Q1 को वही नंबर जाएंगे जो रिमाइंडर हमें 1 देंगे। Q2 को वही स्टेट जाएंगे जो रिमाइंडर 2 देंगे। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 अगर बोलना है तो हम क्यू नॉट पे ही हम वही नंबर आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 3 है जिनमें रिमाइंडर 0 है। तो इसलिए क्यू नॉट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट बनेगा। तो स्टार्टिंग में लेते हैं एक इनिशियल स्टेट। अब इस इनिशियल स्टेट के लिए हमें इनिशियल स्टेट और 3 स्टेट और लगेंगे, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। अब इसमें से क्यू नॉट जो है ये फाइनल स्टेट है, इसलिए इसको डबल सर्कल किया गया है। अब ये जो 4 स्टेट है इनके लिए ये तीनों इनपुट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, एस से। अगर एस को 0, 3, 6, 9 मिलता है और डिविजिबल बाय 3 करने के बाद रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आएगा। तो इसलिए हम 0, 3, 6, 9 के लिए कहाँ पर जाएंगे, क्यू नॉट को जाएंगे। देन 1, 4, 7 अगर इनपुट मिलता है, 1 या 4 या 7 एस स्टेट को, तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो दैट टाइम हम Q1 को जाएंगे। देन एस को रिमाइंडर अगर 2, 5, 8 अगर ये मिलते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग स्टेट से हम 0 रिमाइंडर होने पर क्यू नॉट को जा रहे हैं, 1 रिमाइंडर होने पर Q1 को जा रहे हैं, और 2 रिमाइंडर होने पर Q2 को जा रहे हैं। अब इसी तरह से हर स्टेट के लिए कंसिडर करना है। अब ये यहाँ पर ध्यान में रखो कि क्यू नॉट को हम कब आ रहे आ रहे हैं, 0, 3, 6, 9 लेकर ही आने वाले हैं। मीन्स हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो इनपुट लेना है वो 0 या 3 या 6, 9 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये तो यहाँ पर इस 0 के बाद समझो या इस 0 के बाद समझो क्या आने वाला है। तो एक तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अगर 0 के बाद 0 आता है तो क्या होगा, उसी स्टेट में रखेंगे, मीन 0, 0 नंबर बनेगा, और डिविजिबल बाय 3 करने के बाद हम उसी स्टेट में क्यू नॉट को आएंगे, रिमाइंडर 0 रहेगा। देन क्यू नॉट को अगर 1 मिलता है, मीन्स इस 0 के बाद अगर 1 आता है तो 0, 1 बन गया नंबर, तो 0, 1 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स रिमाइंडर रहेगा 1। तो हम क्यू नॉट को 1, 4, 7 मिलने पर Q1 को जाएंगे, है ना। इस 0 के बाद अगर 1 आता है तो रिमाइंडर 1 रहेगा, तो Q1। अब इसके बाद इस 0 के बाद अगर समझो 2 आता है तो 0, 2 बन गया, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इसलिए हम Q2 स्टेट के लिए जाएंगे। देन Q1 को अगर समझो 0, 3, 6, 9 ये इनपुट मिलता है, मीन्स 1 के बाद 0 आता है तो 10 बन गया, तो 10 मीन्स वॉट, रिमाइंडर 1 रहने आता है, तो इसी स्टेट में हम रुकेंगे। इस 1 के बाद अगर समझो 2, 1 आता है, 11, तो 11 बनने पर मीन्स 1 के बाद फिर से 1 आया तो 11, तो Q2 स्टेट, मीन्स 11 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर रहेगा 2, तो इसलिए Q2। देन 1 के बाद अगर 2 आता है मीन्स 12 बन गया, तो 12 मीन्स वॉट,
डिविजिबल बाय थ्री करने के बाद रिमाइंडर जीरो रहेगा, इसलिए हम क्यू नॉट स्टेट के लिए गए, समझ रहे हो ना। देन अगर समझो क्यू टू को हम कब आने वाले, टू लेकर आने हैं, तो टू के बाद अगर जीरो आता है तो 20 बन गया, तो 20 डिवाइडेड बाय थ्री करने पर रिमाइंडर रहेगा टू ही रहेगा, तो 0369 के लिए हम क्यू टू के लिए रहेंगे। देन इस टू के बाद अगर वन आता है, 21 बन गया, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो इसलिए हम क्यू नॉट स्टेट हो जाएंगे। एंड क्यू टू को अगर 2588 मिलता है, मीन्स इस टू के बाद ये टू आता है, तो 21 22 बन गया, 22 डिवाइडेड बाय थ्री मीन्स रिमाइंडर वन रहेगा, तो क्यू वन। तो इस तरह से ये फाइनाइट स्टेट मशीन बन गया है। इसी प्रॉब्लम को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, टेबल मेथड से। तो ये है टेबल मेथड, या उसी ट्रांजिशन डायग्राम को हम टेबल में भी डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तीन इनपुट सेट लिए, 0369 147 एंड 2588, और चार स्टेट लिए हैं, 1S Q0 Q1 Q2। तो आपको पता है यस स्टार्टिंग स्टेट है, क्यू नॉट ये फाइनल स्टेट है, इसलिए यहाँ पर सर्कल किया गया। अब देखो अगर एस को 0369 कोई भी नंबर मिलता है, तो डिविजल बाय थ्री करने के बाद क्यू रिमाइंडर ये जीरो आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्यू नॉट स्टेट। देन 147 को डिविजिबल बाय थ्री करते हैं, डिवाइडेड बाय थ्री करते हैं, तो रिमाइंडर आएगा वन, तो यहाँ पर लिखा है क्यू वन। 2588 को डिवाइडेड बाय थ्री करने के बाद रिमाइंडर आएगा टू, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है क्यू टू। देन क्यू नॉट को अगर समझो जीरो मिलता है, मीन्स इस जीरो के बाद, फॉर एग्जाम्पल क्यू इस जीरो के बाद जीरो आता है, तो डबल जीरो बन गया, डबल जीरो डिवाइडेड बाय थ्री, तो रिमाइंडर रहेगा जीरो, तो यहाँ पर लिखा है क्यू जीरो। इस जीरो के बाद अगर वन आता है तो 01, तो डिवाइडेड बाय थ्री करने के बाद रिमाइंडर रहेगा वन, तो यहाँ पर लिखा है क्यू वन। देन इस जीरो के बाद अगर टू आता है तो 2 02 मीन्स डिवाइडेड बाय थ्री करने का रिमाइंडर बाय आएगा टू। देन क्यू वन के लिए सोचो, वन के बाद जीरो आया 10, रिमाइंडर वन, वन के बाद वन आता है मीन्स 11 डिवाइडेड बाय थ्री, रिमाइंडर टू क्यू टू। देन वन के बाद अगर टू आता है तो 12, तो डिवाइडेड बाय थ्री मीन्स रिमाइंडर जीरो क्यू जीरो। टू के बाद अब क्यू टू के लिए सोचो, क्यू टू के बाद अगर जीरो आता है तो 20 बन गया, रिमाइंडर टू आएगा। देन 2 1 21 रिमाइंडर जीरो आएगा, इसलिए क्यू जीरो। टू के बाद टू आया मीन्स 22, तो रिमाइंडर क्यू वन बनेगा, तो क्यू वन। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर लिखे है, ये समझो इनिशियल नंबर है, यहाँ पर ये सेकेंडरी नंबर है, मीन्स सेकेंड नंबर ये है, और जो रिमाइंडर रहेगा ये नंबर है, और सिर्फ आपको इस टेबल को इस तरह से अरेंज करना है। तो अब एक नंबर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है 3 4 6 1 2 5 6, तो इस नंबर को एस को स्टार्टिंग स्टेट को अगर थ्री मिलता है, तो स्टार्टिंग स्टेट को थ्री मिल गया, नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, क्यू नॉट आएगा, तो क्यू नॉट बाकी नंबर एज इट इज। अब क्यू नॉट को फोर अगर मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट आएगा क्यू वन, तो क्यू वन। देन क्यू वन को सिक्स मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट आएगा क्यू वन फिर से, तो क्यू वन बाकी नंबर एज इट इज़। देन क्यू वन को अगर वन मिलता है तो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट स्टेट आएगा क्यू टू, बाकी नंबर एज इट इज़। देन क्यू टू को अगर टू मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट आएगा क्यू वन, तो बाकी नंबर एज इट इज़। देन क्यू वन को फाइव मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट आएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट। देन क्यू नॉट को अगर सिक्स मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट आएगा फिर से क्यू नॉट, और क्यू नॉट ही हमें इनपुट हमारा फाइनल स्टेट है, और कोई भी नंबर हमारे पास इनपुट के लिए नहीं बचा है। तो ये हुआ फाइनल स्टेट क्यू नॉट, और इसका मतलब क्या है, क्यू नॉट अगर फाइनल स्टेट मिलता है तो ये जो नंबर हमने लिया है ये डिविजल बाय थ्री है, ये डिविजल बाय थ्री है। तो आप एक तो टेबल से डायग्राम बना सकते हो, या डायग्राम से टेबल बना सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप वे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।